क्या हुआ तुम? तुम क्यों श्रद्धा के जॉब करने के फेवर में? क्यों हम सबको मनाने की कोशिश कर रहे हो कि हम श्रद्धा को स्कूल में जॉब करने दें? आनंद आनंद, पहले तुम्हारे फेस पे जो ये तुमने गुस्से वाला एक्सप्रेशन बना के रखा है ना, उसे हटा दो। उसके बाद ही मैं तुम्हें समझाऊंगी आराम से। प्लीज आनंद, देखो ये बात ना गुस्से में नहीं समझी। अच्छा बताओ क्या समझा रहे? क्या समझाना है? नहीं, किसे समझाना है ये पूछ। किसे समझाना? श्रद्धा, वो चाहती है कि वो आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। पर उसकी क्या जरूरत? कोई तो जरूरत नहीं होगी ना, ना तभी तो वो खुद वो न्यूज़पेपर में एड दिखाने लाई थी हमें। किट्टू, श्रद्धा के पैसे, किट्टू उसकी पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए मैंने उसका बैंक में अकाउंट खुलवाया है। अगर उसे और पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांगे। उसका भाई किस लिए? आनंद, मैं जानती हूँ कि तुम्हें श्रद्धा दीदी का कितना ख्याल है, कि मुझे तो फख्र है कि मेरे पति को अपनी बहन के बारे में इतनी चिंता है। मैं तो कहती हूँ हर एक बहन को ऐसा भाई मिलना चाहिए जो उसका इतना ख्याल रखे। पर आनंद जरा सोचो, उस अकाउंट में से हर वक्त पैसे खर्च करने के लिए श्रद्धा दीदी को कैसा मिलेगा? इसको बैलेंस राइट, आनंद बैलेंस लेफ्ट, कंटिन्यू। जब खुद की कमाई के पैसे वो उस अकाउंट में डाले तब जाके उन्हें सुकून मिलेगा। आनंद, तुम उनके अकाउंट में केवल पैसे डाल सकते हो। खुशियां तब मिलेगी जब तुम उन्हें ये जॉब कर लेगी। सही कह रहे हो तुम, के इस वक्त श्रद्धा की खुशियों से बढ़कर हमारी और कुछ नहीं होना चाहिए। मुझसे ज्यादा ख्याल है तुम्हें श्रद्धा का। हाँ तो सॉरी, अच्छा मुझसे ज्यादा ख्याल रखती हो श्रद्धा, हर पल उसके लिए सोचती रहती। हाँ तो एक ही तो ननद है मेरी। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हर ननद को तुम्हारी जैसी भाभी दे। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि हर ननद को तुम्हारे जैसी भाभी मिले। अच्छा तो अब मेरी लाइन मुझ पर रिपीट कर रहे हो तुम? हां, किट्टो बैलेंस राइट में तो फिर अंदर घुसे। मैं तो भगवान से सिर्फ ये प्रार्थना करूंगा कि हर ननद को तुम्हारे जैसी भाभी मिले। लो, मेरी लाइन मुझ पर रिपीट कर रहे हो तुम? और क्या, ये लाइन तुम पर ज्यादा सूट करती है। थैंक यू सो मच कैप्टन, मेरे परिवार के लिए इतना करने के लिए। ध्यान रखने के। थैंक यू सो मच कैप्टन, मेरे परिवार के इतना ध्यान रखने के लिए। जॉब करने के फेवर
अरे क्यों हम सबको मनाने की कोशिश कर रहे हो कि हम उसे जॉब करने थे? आनंद आनंद, पहले जो तुमने अपने चेहरे पे गुस्से वाला एक्सप्रेशन बना के रखा है ना, उसे उतार दो, उसके बाद ही मैं समझाऊंगी आराम से। प्लीज आनंद, देखो ये बात ना गुस्से में नहीं समझी सब। ये बात प्लीज आनंद, देखो ये बात ना गुस्से में नहीं समझी जा सकती। अच्छा बताओ क्या समझाना है?